अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश योगी जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वो ये हैं कि रामचरितमानस पढ़ने में जितनी आसान है उतना ही जबरदस्त इस पुस्तक का महात्म्य है। महात्म्य यानी उसका प्रभाव है, उसकी ऊर्जा है। रामचरितमानस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने ये पुस्तक लिखी श्री राम जी के लिए, तो उन्होंने वास्तव में पूरी पुस्तक संस्कृत में लिखी थी। पूरी पुस्तक श्री रामचरितमानस सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी, फिर श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वप्न में, उनके सपने में हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने ये कहा कि तुम जो है इस ग्रंथ को संस्कृत में न लिखकर ऐसी अपनी अवधि सरल भाषा में लिखो कि जो जन जन तक आसानी से समझ में आ जाए। तो फिर गोस्वामी जी ने अवधि भाषा में इस ब्रिज भाषा के अंदर अवधि और इसके अंदर श्री रामचरितमानस लिखा। तो जब इतनी सरल भाषा में यह ग्रंथ आया लोगों के सामने, तो उस वक्त के पंडित जो थे, उस वक्त के जो पंडे पंडित थे, उनके इस काम से बड़ी ईर्ष्या हुई। तो उन्होंने इनका अपमान करने के लिए, तुलसीदास जी का अपमान करने के लिए उन्होंने कुछ योजना बनाई और ये साबित करने का प्रयास किया है कि सारे वेद, एक तरह से उनको ये कहा गया कि तुम्हारा जो ये कहानी है श्री रामचरितमानस, ठीक है, कहानी लिखा अच्छा, लेकिन इसको तुम एक ऊर्जावान पुस्तक के रूप में प्रचारित नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कहानी लिखा है सिंपल सीधी, बड़ी सीधी सी भाषा में, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, जबकि हमारे पास संस्कृत के प्रकांड एक से एक प्रचंड मंत्र हैं, हमारे पास चारों वेद हैं, पुराण हैं। तो उनमें से किसी ने यह राय दी कि चलो ऐसा करते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस और वेद और पुराण और सारे ग्रंथ जो थे हमारे सनातन धर्म के, उनको लाया गया और श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और उसके ऊपर सारे वेदों को रखा गया और रात भर के लिए मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह उठकर जब मंदिर को खोला गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर था, उसके नीचे सारे वेद और सारे पुराण और सारे ग्रंथ थे अपने आप। देखिए, ये मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मुझे भी इसका, मेरे पास का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है ये वो कथा है। और उस रामचरितमानस की प्रति के ऊपर कुछ ऐसे भगवान शिव के चिन्ह थे, भगवान विश्वनाथ के, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मेरा कोई इसमें दावा नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने अध्ययन किया, जैसा मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं सिर्फ वो बात करूंगा, ये आपको बताने के लिए कि थोड़ा प्रभाव और अधिक हो जाए इस पुस्तक का। देखिए, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कलयुग के अंदर किसी भी कहानी के शब्दों को, उसके वाक्यों को, उसके अक्षरों को मंत्र की पदवी प्राप्त नहीं है। किसी भी कथा को, आप सुनिएगा ध्यान से, किसी भी कथा को, उसके अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को मंत्र की पदवी प्राप्त नहीं है, सिवाय दो ग्रंथों के। पहला है दुर्गा सप्तशती और दूसरा है श्री रामचरितमानस। अनुभूत है
बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब आते हैं रामचरितमानस की कुछ विशेषताओं के ऊपर। रामचरितमानस ऐसा एक प्रासादिक ग्रंथ है जिसको अगर किसी को सिर्फ वर्णमाला का साधारण ज्ञान भी है, अक्षरों का साधारण ज्ञान भी अगर किसी को है, और वो अगर रामचरितमानस का एक या दो बार उसको धीरे 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 करके पढ़ ले तो उसको पढ़ना आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ये मैंने देखा है, जिसको बिल्कुल टूटा फूटा सिर्फ अक्षर समझ में आते हो, वो व्यक्ति जिसको सिर्फ अक्षर समझ में आते हो, दिखाई देना कि जैसे क क पे ए की मात्रा लगी है तो के कई ऐसा भी वो कुछ पढ़े और धीरे धीरे करके एक बार भी अगर वो रामचरितमानस का धीरे 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 पूरा करके अगर उसे पढ़ लेगा तो उसे पढ़ना आ जाएगा निश्चित रूप से बड़ी किताबें भी वो पढ़ने लगेगा। ये मेरे सामने देखा हुआ अनुभूत है, मेरी दादी के ऊपर मैंने देखा है। ये तो बहुत सिंपल से मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने देखा है, मैं सिर्फ वही बातें करूंगा। अगर जिस किसी घर के अंदर, अगर किसी घर में श्री रामचरितमानस के 108 पाठ अगर हो जाएं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, मैं भी समझ रहा हूं इस बात को। अगर किसी घर में या संकल्प लेकर किसी गांव में किसी क्षेत्र विशेष में संकल्प के साथ अगर 108 पाठ श्री रामचरितमानस के अगर हो जाएं तो उस क्षेत्र का, उस जगह का सकारात्मक रूप से कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका कायाकल्प होते हुए आप देखेंगे अगर जहां जहां ये 108 पाठ पूरे हो चुके हैं, अगर आपने अपने घर में 108 पाठ श्री रामचरितमानस के कर लिए, साल दो साल तीन साल चार साल लगे, लगातार करें ना करें कोई फर्क नहीं, जब समय मिले जैसा मिले, लगातार 108 बार श्री रामचरितमानस जिस घर में पढ़ी जाए उस घर में धन समृद्धि शांति सफलता रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ आरोग्य आयु यश कीर्ति सम्मान सब कुछ उस घर के अंदर चिर रूप से निवास करने लगेंगे। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। अगला, श्री रामचरितमानस का पाठ अगर आपने शुरू कर दिया है और बीच में कोई सुवा या सूतक लग जाता है, यानी आपके परिवार में किसी का जन्म या किसी का मरण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम सनातन धर्म के अंदर हम लोग जो है धार्मिक कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ अगर आपने शुरू कर दिया और बीच में अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास आ जाती है तो रामचरितमानस को लगातार चलने देने में कोई दोष नहीं है, उसका पाठ पूरा करना चाहिए, उससे सुवा या सुतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीन बातें हो गई। रामायण का पाठ करने से बुद्धि तेज होती है मनुष्य की और उसमें एक अलग प्रकार की भगवान की भावना उसमें पैदा होती है, रस जुड़ता है, बुद्धि तेज होती है और एक अलग ही प्रकार की शांति उसके अंदर विकसित होती है। ये मेरा, मैंने हजारों लोगों पर देख लिया, अपने सैकड़ों लोगों पर मैंने देखा है ये चीज कि रामचरितमानस में जो व्यक्ति डूब गया, जो इसका नियमित नित्य पाठ करता है थोड़ा थोड़ा करके अधिक करके जितना उसका श्रद्धा हो, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की शांति, अलग ही प्रकार का आपको उसके अंदर सुकून देखने को मिलेगा। फिर हमारे गुरुजी कहते थे कि जो विद्यार्थी रामचरितमानस का नवान्न पारायण करता है अपने जीवन में कभी भी, वो कभी फेल नहीं होता, फेल नहीं हो सकता अपनी परीक्षाओं में। नवान्न पारायण करने वाला विद्यार्थी रामचरितमानस का, वो कभी फेल नहीं हो सकता परीक्षा में, असफल नहीं हो सकता। अब आप इसका मतलब ये ना समझ लें कि सिर्फ नवान्न पारायण करने से इंसान डॉक्टर की परीक्षा पास कर लेगा या आईएएस बन जाएगा या ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो पढ़ा हुआ उसे याद रहेगा, उसके अंदर अलग सांसारिक बातें या अलग जितने भी भटकाव की बातें हैं वो उसके दिमाग से मिट जाएंगी, तो वो एकाग्र रह पाएगा, फोकस्ड रह पाएगा अपनी पढ़ाई के प्रति। फिर अब मैं अंतिम बात एक बताना जरूर चाहूंगा कि रामचरितमानस को
बिल्कुल ईश्वर की प्रति मानकर ही उसको उसके सामने जाना चाहिए। पुस्तक को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, विशेष दोष के रूप में गिना गया है। रामचरितमानस की पुस्तक को कभी भी उल्टा नहीं रखना, उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए। और होती कोशिश जमीन पर न रखें, पृथ्वी पर न रखें, उसको किसी आसन पे या पट्टे पे या लाल कपड़े में लपेट कर ऊपर थोड़ा सा सम्मान के साथ उसको आप रखिए घर के अंदर। तो रामचरितमानस के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई। दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस दोनों ही कथाओं के वाक्यों को मंत्र की उपाधि प्राप्त है, यानी इन दोनों की इसके चौपाइयाँ जो हैं वो मंत्र का असर रखती हैं। दुर्गा सप्तशती के भी जो जितने भी वाक्य हैं वो सब मंत्र का प्रभाव दिखाते हैं। जिस तरह से मंत्र काम करता है आपके लिए, उसी प्रकार से रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी मंत्र का काम करती हैं, दुर्गा सप्तशती की पंक्तियाँ भी मंत्र का काम करती हैं। दुर्गा सप्तशती क्या है? माँ दुर्गा की कथा है ना, माँ दुर्गा के त्रिगुणात्मक स्वरूप की कथा है। इसी तरह से रामचरितमानस श्री राम जी की कथा है। लेकिन ये दो ही कथाएं ऐसी हैं जिनके वाक्यों को, जिसके शब्दों को मंत्र की उपाधि प्राप्त है, ये मंत्र का असर करती है। अब किस प्रकार करती है? श्री रामचरितमानस के अलग अलग चौपाइयों पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। वो आपके आम जीवन के बहुत 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 काम आने वाला है। आगे मैं एक वीडियो बनूंगा जिसमें रामचरितमानस की विभिन्न चौपाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी चौपाई किस तरह से हमारे जीवन पर असर डाल सकती है। तो इसी के साथ आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। मैं हमारा संस्था जो है, हमारी संस्था जो है, ज्योतिष और पूजा पद्धति और सनातन संस्कृति की सात्विक परंपराओं को आगे बढ़ाने के हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। और अधिक से अधिक भ्रांतियों को हम मिटाना चाहते हैं इस बारे में लेकर। आपके मन में अगर ज्योतिष, सामुदायिक शास्त्र, वास्तु, अंक ज्योतिष, पूजा पाठ, सनातन संस्कृति, धर्म दर्शन, अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपके मन में शंका हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उसका 100% वैज्ञानिक विवेचन करके उसका उत्तर आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ, सबके मंगल की भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।